YouTube चैनल हेल्थ सॉल्यूशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, बुढ़ापा कैसे दूर करें। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल हेल्थ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए अनेक ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अब बात करेंगे अपने टॉपिक की, बुढ़ापा कैसे दूर करें। दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसी स्टेज है जिसका सामना हम सबको एक ना एक दिन करना ही है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो मन में विचार आने लगते हैं कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, शरीर में बुढ़ापा आने वाला है। बुढ़ापा शरीर की कष्टदायक अवस्था होती है। हमारा बुढ़ापा कैसे बीतने वाला है, इस तरह के अनेक सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं और इससे ही हमारा मन उदास होने लगता है। सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है कि बुढ़ापा होता क्या है। बुढ़ापा शरीर में होने वाला प्राकृतिक क्रम या प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमर झुक जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, आँखों की रोशनी कम होने लगती है और मूत्र पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यही सारी निशानियाँ हैं बुढ़ापे की। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि व्यक्ति केवल मन से बूढ़ा होता है, तन से नहीं। आयु से बुढ़ापा नहीं नापा जाना चाहिए। एक जवान भी बूढ़ों से खराब शरीर कर लेता है। बुढ़ापे का ये एक सामान्य परिचय है। बुढ़ापा कैसे आता है, आइए जानें। ये दोस्तों एक कड़वा सच है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। हम जवान हैं तो बुढ़ापा भी जरूर आएगा। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे शरीर में एसिडिटी टॉक्सिक मैटर एकत्रित होते जाते हैं। ये स्वास्थ्य के शत्रु होते हैं। शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ने से मसूड़े फूलते हैं, जीभ पर कांटे से हो जाते हैं, जीभ सफ़ेद रहती है। में कैंसर होने पर हड्डियों को ही अधिक प्रभावित करता है, इसलिए हड्डियों में अधिक दर्द होने पर विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर की सलाह लें। इन बीमारियों से बचाओ, आप क्या क्या कर सकते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। बुढ़ापे में होने वाली हड्डियों के दर्द, आँखों की कमजोरी, दुर्बलता से बचने के लिए पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और शरीर को चोट लगने से बचाव के लिए सतर्क रहना चाहिए। हड्डियाँ प्रोटीन और कैल्शियम से बनती हैं, इसलिए भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी शामिल होना चाहिए। अब बात करेंगे बुढ़ापा दूर करने के उपाय। क्या क्या उपाय अपना सकते हैं आप बुढ़ापा दूर करने के लिए। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बुढ़ापा सुख शांति से बिताने के अनेक उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करके हम बुढ़ापा दूर कर सकते हैं। वो है जैसे नियमित व्यायाम। जीवित रहने के लिए जितना भोजन जरूरी होता है उतना ही जरूरी निरोग रहने के लिए व्यायाम। जो लोग व्यायाम नहीं करते उन पर उम्र अपना प्रभाव जल्दी ही छोड़ देती है और वे जल्दी ही बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। व्यायाम से शरीर कसा हुआ दिखाई देता है और लंबी आयु तक जीर्ण नहीं होता। जीवन में आनंद ही आनंद रहता है व्यायाम करने से। आकर्षक बने रहने के लिए आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। झुके हुए कंधों से बुढ़ापा झलकता है, साथ ही चुस्ती फुर्ती वाली चाल आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगी। बुढ़ापा दूर करने का सबसे पहला तरीका है सूर्योदय से पहले उठना और व्यायाम करना, नियमित घूमना, ताजी हवा और धूप सेवन करना, पाचन शक्ति बढ़ाएं, खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं, पीठ के बल लेट जाएं और सिर को आगे की ओर झुकाएं। इससे पेट की पेशियां खिंच जाएंगी, सिर पीछे गिरा देने से ढीली पड़ जाएंगी। ऐसा बराबर करने से नसों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही पेट को मुट्ठी से ठोकना फायदेमंद होगा। पहले धीरे धीरे ठोको और फिर जोर बढ़ाते जाओ। इसका असर यह होगा कि रक्त की गति बढ़ जाएगी और पाचन तंत्र को बल मिलेगा। इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों से पेट को ऊपर नीचे खींचो, पेट को मलें। इससे पेट पर जमी चर्बी पिघल जाती है।
अगला है कब्ज दूर करने के लिए आंतों को प्रभावित करने वाला व्यायाम करें। मोटापा व्यायाम की कमी से ही आता है। लंबी आयु में जोड़ों में कैल्शियम जम जाता है जिससे हमारे अंग कठोर हो जाते हैं, उनका लचीलापन कम हो जाता है। हर रोज व्यायाम से यह ठीक हो जाता है। अगला है भोजन। लंबे समय जीने के लिए वृद्धावस्था दूर रखने के लिए किसी विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है। पकाए हुए भोजन के साथ साथ कच्ची सब्जियां और फल खाएं और फलाहार करें। अगला है कान में तेल। सोते समय हर रोज 2 बूंद सरसों का तेल कान में डालकर सोएं। अगला है निद्रा। भरपूर निद्रा लें। औषधियों से बचिए। औषधियों के सेवन से हमें बचना चाहिए। औषधि रोग को जड़ मूल से नष्ट नहीं करती। रोग औषधि के कारण दूर नहीं होता, बल्कि रोग प्रतिकारक शक्ति के कारण दूर होता है। प्रचार तंत्र ने व्यक्ति के विचार तंत्र को भ्रष्ट करके बिल्कुल कुंठित कर दिया है। जो व्यक्ति भोजन विषयक नियमों का पालन करता है, उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकांश बीमारियां अरोग्य खान पान से ही होती हैं। इसलिए प्रायश्चित के रूप में उपवास करें। प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक नियमों पर चलने से जो काम होगा, वह किसी कानून, दंड, धमकी, उपदेश से नहीं हो सकता। आयु बढ़ने के साथ भोजन की मात्रा कम करते जाएं। नमक व मसाले कम से कम सेवन करें। अगला है सकारात्मक सोच। दोस्तों, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जीने की इच्छा, हमें अपने अंदर जीने की इच्छा रखनी चाहिए, तभी हमारे अंदर बुढ़ापा जल्दी नज़र नहीं आएगा। अगला है लहसुन का सेवन करें। यदि लहसुन का सेवन नियमित किया जाए तो असमय में ही बुढ़ापे का शिकार होने से बचा जा सकता है। बुढ़ापे का अर्थ है कि शरीर की धमनियों का सिकुड़कर रोगग्रस्त हो जाना। यही कारण है कि बुढ़ापे में मनुष्य के शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। 1 भाग लहसुन पीस कर 4 गुने शहद में मिलाकर 2 चम्मच सुबह शाम पिए। 50 दिन लेने पर देखेंगे कि शरीर में व्याप्त रोग नष्ट हो जाएंगे और शरीर युवाओं जैसा लगेगा। लहसुन श्रेष्ठ रसायन है। यदि इतना लहसुन सेवन के लिए इतनी मेहनत नहीं की जा सके, तो 4 कली साबुत ही पानी के साथ निगल जाए, दूध में उबाल कर खाएं। दोपहर का भोजन करते समय 1 पोतिया लहसुन के 2 दाने खाकर भोजन करें। अगला है नमक। नमक का सेवन कम से कम करें। आंवले का भी सेवन करना चाहिए, इसके बुढ़ापा नज़र ना आए जल्दी से। इसके लिए हमें पपीता भी सेवन करना चाहिए। हमें हरड़ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बुढ़ापा कैसे दूर करें के विषय में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे कोई जानकारी मिले, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।